इस सलवार को बनाने के लिए हमने 2 मीटर कपड़ा लिया है। अब हम सबसे पहले सलवार का नाप देख लेंगे। हमारे सलवार की जो तैयार लंबाई है, रेडी लंबाई जो हमें चाहिए वो 37.5 इंच चाहिए। इसमें हमारी 5.5 इंच की बेल्ट बन के तैयार हो जाएगी और इसमें हम 2.5 इंच और प्लस करेंगे। इसमें हमारा जो 2 इंच होगा वो तो हम डोरी डालने के लिए मोड़ लेंगे और 0.5 इंच जब बेल्ट और प्लेट को जोड़ेंगे उसमें चला जाएगा। तो इस तरीके से हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा प्लस करना है बेल्ट में। आपको भी 2.5 इंच ही प्लस करना है बेल्ट में और आपकी भी जो बेल्ट है वो 5.5 इंच की ही बन के तैयार होगी। तो जब 2.5 इंच प्लस कर लेंगे तो इस तरीके से हमारा 8 इंच आ जाएगा। तो जो बेल्ट की कटिंग करेंगे उसकी जो चौड़ाई लेंगे वो 8 इंच लेंगे। इसके बाद तैयार लंबाई में से 5.5 इंच को माइनस कर देंगे तो हमारा बचेगा 32 इंच। तो जो 32 इंच बचेगा उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा प्लस कर लेंगे सिलाई के लिए। तो जो हम प्लेट कट करेंगे उसकी जो लंबाई होगी कपड़े की वो हम 33 इंच लेंगे। तो अब हम इस कपड़े को खोल लेंगे। तो ये हमने कपड़े को खोल लिया है। इस कपड़े की जो चौड़ाई है वो 45 इंच है। अब हम इस कपड़े को बीच में से मोड़ लेंगे। इसके बाद हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो हमारी बेल्ट की जो लंबाई है तैयार लंबाई वो 25 इंच है। इस कपड़े की जो लंबाई है वो 22.5 इंच है और हमें 25 इंच चाहिए। तो जितना कम पड़ेगा उसमें हम बाद में कपड़ा जोड़ लेंगे। तो इस तरीके से हम एक ही पट्टी कट करेंगे अभी बेल्ट के लिए। तो यहाँ पे जो हम बेल्ट की चौड़ाई लेंगे वो 8 इंच लेंगे। हमने स्टार्टिंग में निकाला था कि हम 8 इंच कैसे लेंगे, तो यहाँ पर हम 8 इंच पे निशान लगा के बेल्ट के लिए एक पट्टी कट कर लेंगे। सिर्फ एक ही पट्टी कट करेंगे, कम पड़ रहा है तो उसे बाद में जो कपड़ा बचेगा उसमें से जोड़ लगा लेंगे। तो ये हमारी बेल्ट की कटिंग हो गई है। अब हम बचे हुए कपड़े को खोल लेंगे और इसकी डबल तह लगा लेंगे। तो ये हमने कपड़े को डबल तह में मोड़ लिया है। अब हम कपड़े को इस तरीके से मोड़ देंगे। जितनी चौड़ी हमें मोहरी चाहिए उतना ही कपड़ा मोड़ेंगे। जैसे कि हमारी जो मोहरी तैयार है वो 6.5 इंच की तैयार होगी। तो इसमें हम 1 इंच कपड़ा प्लस करके इसकी जो हम चौड़ाई लेंगे वो 7.5 इंच लेंगे। तो ये कपड़े को हमने 7.5 इंच पे मोड़ लिया है। तो अब हम सलवार की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लंबाई जो लेंगे वो 33 इंच लेंगे। और ये 33 इंच हमने कैसे निकाला था वो स्टार्टिंग में ही आपने देख लिया था। तो यहाँ पर हम 33 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो अब हम इधर की साइड 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे। सबको ये निशान 2 इंच पर ही लगाना है। अब हम इस निशान को सीधा कर लेंगे। अब हम इधर की साइड 10.5 इंच पर आसन का निशान लगाएंगे। अब हम इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे। तो यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। तो ये हमने निशान लगा लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इस वाले पल्ले को इधर की साइड रखेंगे इस तरीके से उठा के। इस तरीके से इसे बराबर बिछा लेंगे। इसके बाद इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने इस तरीके से इसे भी बिछा लिया है। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे।
इसको भी इधर की साइड से कट कर लेंगे। तो ये हमारे चारों कलियों की कटिंग पूरी हो गई है। इसके बाद से ये जो कपड़ा बचा है इससे हम अपने बेल्ट में जोड़ लगा लेंगे जितना कम पड़ रहा है, और उसके बाद इससे ही हम अपना पोंचा भी तैयार करेंगे। इसके बाद हम इस तरीके से इन्हें जोड़ लेंगे। इस सलवार की सिलाई का वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया है, आप चैनल पर जाके देख लीजिए।